कितने इसराइल बनेंगे? क्या यूपी का नौजवान इसराइल के साथ कंपैरिजन करके हम उनके रोजगार की व्यवस्था करेंगे क्या? क्या वो आने वाले टाइम में वही नौजवान जो 4 साल के अंदर ट्रेनिंग लेके आएंगे हथियारों की, वो गैंगस्टर नहीं बनेंगे? क्या वो अडानी और अंबानी के जो बड़े बड़े वो शैलों हैं या उद्योग हैं, उनके केवल और केवल पहरेदार बन के नहीं रह जाएंगे? मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जब बगैर ट्रेनिंग के भी इतने अवैध हथियार उन नौजवानों के पास पहुँच गए हैं, तो ट्रेनिंग होने के बाद तो लॉरेंस बिश्नोई इसका लेटेस्ट उदाहरण है। लॉरेंस बिश्नोई जिस हथियार का उसने प्रयोग किया, हमारी सेना के पास भी नहीं है, कहाँ से आया वो? और जब सेना से ट्रेनिंग लेके लोग आएंगे यहाँ, वो तो पता नहीं कितने का आधुनिक हथियारों से लैस होंगे। सेना के जो अधिकारी हैं सीनियर, वो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया स्कीम है ये, बिल्कुल भी ये बैकफुट पर नहीं आएगी। मैं आपके चैनल से, आप क्योंकि पत्रकार हैं और यू नो बेटर देन मी, मैं अगेन अपने शब्दों को रिपीट कर रहा हूँ, क्या आज से पहले कभी भी आपने 70 साल में किसी तीनों जर्नलों को ये कह सरकार की नीतियों का समर्थन करते सुना? तीनों जर्नलों ने इकट्ठा कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई और सरकार की किसी नीति का समर्थन नहीं किया। तो इसके मायने क्या है? इनकी घुसपैठ केवल गोदी मीडिया तक नहीं है, केवल प्राइवेट सेक्टर तक नहीं है, ये निश्चित तौर पर आने वाले टाइम पे मिलिट्री पर भी पूरा कब्जा इसी विचारधारा का होगा, ये उसकी तरफ इशारा करता है। बहादुर जी, आज किसान संयुक्त मोर्चा की आज मीटिंग है गाजियाबाद में, क्या उद्देश्य है इस मीटिंग का? मतलब पहला उद्देश्य तो हमारा ये था कि जो सरकार ने वायदा किया था कि हम MSP के कमेटी बनाएंगे, सरकार अपने वायदे से मुकर गई है। उन्होंने कहा था कि 5 साथी हमें कोई दो, हम ये कहते हैं कि हमने 5 की लिस्ट दी थी, आपको एक चाहिए तो हमारा पहला जो 1 नंबर का साथी है उसको बुला लीजिए, 2 साथी अगर उसमें शामिल करने हैं कमेटी में, ऊपर के 2 साथियों को बुला लीजिए। तो ये हम तो कभी से तैयार हैं, लेकिन सरकार बुलाए तब की बात है। मतलब दूसरा मुद्दा, बीच में लटका दिया आपको? बीच में लटकाया हुआ है और इसके ऊपर रिव्यू करने के लिए आज की मीटिंग बुलाई, और हमारे जो बच्चों के ऊपर अग्निपथ स्कीम लेके आए हैं उसके ऊपर भी, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं उन बच्चों के जिनको नौकरी चाहिए, कम से कम 1.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला था, केवल पोस्टिंग बाकी थी, और एक झटके में 1.5 लाख बच्चों को जो है उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया गया एक आदेश के द्वारा, कि हम जो है अग्निपथ 17.5 से 21 के बीच के द्वारा जो है भर्ती लेके आएंगे। अच्छा, जो लोग तैयारी कर रहे थे युवा, वो कहीं विरोध करते नजर नहीं आ रहे हैं? जिन्होंने पहले कई साल से जो दौड़ भाग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं एंट्रेंस के लिए, फिजिकल के लिए, यू नो बेटर देन मी, जब सरकार तानाशाही अख्तियार कर लेती है तो निश्चित तौर पर दबाव बन जाता है। सर, तानाशाह कैसे है मोदी सरकार, योगी सरकार, आपने वोट दिया ना उनको मोटा? नहीं 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 नहीं, सवाल ये नहीं, वोट तो हिटलर को भी जनता ने दिए थे। तो हिटलर है क्या वो? बिल्कुल, अगर नीतियों की बात करें, अगर आपने हरियाणा के सूरजकुंड की बात सुनी हो तो सबसे ज़्यादा किताब बिकने वाली मेडकॉफ थी, मेरा संघर्ष, हिटलर के द्वारा लिखित मेरा संघर्ष जो है सूरजकुंड में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब थी। इसके मायने क्या हुए? ये कहीं ना कहीं उसी लाइन पे चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि धीरे 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 जो है ना वो सारा का सारा पब्लिक सेक्टर वो बेचने की तैयारी और कुछ बेच दिया है, और इसीलिए प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। अब मेरे को बताइए, अग्निवीर की बात कर रहे हैं और उदाहरण कहाँ तक का देते हैं? इसराइल का, जहाँ की जनसंख्या कितनी है? 70 लाख। गाजियाबाद के सांसद हैं वी के सिंह, जनरल रहे हैं देश के, वो कह रहे हैं कि जो अग्निवीर बनना चाहते हैं वो आ सकते हैं, जिनको बुरा लगता है वो हम उनको बुला नहीं रहे हैं, पर विरोध मत करिए आप। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उस उनके मुंह से ये बात करना तो और भी शर्म की बात है। ये वही व्यक्ति है जो अपनी 6 महीने की सर्विस बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, जर्नल के पद पर होते हुए, जर्नल के पद पर होके वो तो अपने 6 महीने के लिए मारामारी करता है, मेरी 6 महीने बढ़ाइए, जबकि उसने अपने साइन करके दिए जब NDA में सिलेक्शन हुई कि मेरी डेट ऑफ बर्थ सच एंड सच है, और उसके बाद कहाँ जाता है?
ला के कहीं हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट में 6 साल छोटा था उम्र में, गलती से वो लिख दी गई और मेरी 6 महीने और बढ़ाइए। और वो जर्नल जो 6 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाता है, आज 4 साल की सर्विस को बेटर बताता है। क्या मतलब उन्होंने पब्लिक में ये बात कहनी चाहिए? मैं तो आपके माध्यम से पब्लिक से पूछना चाहता हूँ। देखिए, ये तो भानुमती ने कुंबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। अब पैसे पैदल पर, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में सत्ता का चरित्र कभी नहीं बदलता, केवल मोहरे बदलते हैं। सत्ता का चरित्र क्या है? सत्ता हमेशा पैसे वाले के इर्द गिर्द घूमती है। वही पैसे वाले के 3000 करोड़ रुपया जो है इस खेल में सरकार का खर्च हुआ, कहाँ से आया वो पैसा? हम ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, जनता से, पब्लिक से या सत्तारूढ़ पार्टी से, जो उनके ऊपर असम के अंदर रिसोर्ट बुक करवाए गए, चार्टेड प्लेन बुक करवाए गए, वो पैसा कहाँ से आया? कहीं है? और छोटी सी बात मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, शहीदों को इन्होंने जो है ना पैसा दिया। जो सरकार शहीदों को पैसा देती है या आपकी मदद करती है, वो बाई चेक जाना चाहिए या बाई कैश जाना चाहिए? अगर एक नंबर का पैसा है तो बाई चेक जाएगा, कैश दिए गए, कैश दिए गए, इसका मतलब 2 नंबर का। ये उन देशभक्तों को भी, शहीदों को भी नहीं बख्शते जिन्होंने अपने लड़ते लड़पड़े अपने मतलब प्राण निछोर करे इस देश की रक्षा के लिए, या अपने किसान साथियों की अपनी जर जमीन को बचाने के, नस्ल और फसल को बचाने के लिए जिन्होंने शहादत दी बॉर्डर के ऊपर, उनको दे के आए कैश में। इसका मैंने क्या हुआ? वो रुपया 1 नंबर का नहीं था। अगर 1 नंबर का रुपया होता, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने 3-3 लाख रुपया दिया हरियाणा के किसानों को, नहीं पूरे हिंदुस्तान के किसान जो भी शहीद हुए थे, लेकिन बाई चेक दिए। लेकिन बीजेपी की सरकार ने बाई कैश, नोट बाई चेक। हम ना मोदी के विरोधी, ना योगी के विरोधी। फिर किसके विरोधी हो? हम उनकी नीतियों के विरोधी हैं। तो वोट देते रहोगे ना? नहीं नहीं नहीं, वोट आप ओवैसी फैक्टर को यूपी से निकाल दीजिए, मायावती फैक्टर को आप निकाल दीजिए, और फिर बताइए मेरे को कितने वोट मिलते हैं उनके टोटल वोट जोड़ के। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब रुपये से एक पहले विनिमय का एक साधन होता था, सबसे पहले वस्तु विनिमय के बदले वस्तु, शुरुआती दौर में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ, यही था ना। और उसके बाद जब मुद्रा का प्रचलन हुआ, वस्तु पैसा वस्तु, अब यही प्रचलन बिल्कुल यहाँ राजनीति में है, वस्तु वोट नहीं, पैसा वोट पैसा। उस पैसे के आधार पर मैं आपको 1000 करोड़ दूंगा और आपने जो है ना 100 आदमी करने हैं इलेक्शन में खड़े कर दो। अगर ये अनुपातिक आप चुनाव प्रणाली अपनाइए और फिर बताइए मेरे को जितवा के, अनुपातिक चुनाव प्रणाली तो अपनाइए। नहीं, ये सभी तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे, बात कांग्रेस कहाँ से आ गई? सवाल तो मैं कह तो ये रहा हूँ, जो सिस्टम, जो सवाल चुनाव ना लड़ने का नहीं है। तो आपका आरोप तो यही है? नहीं नहीं नहीं, आरोप मेरा ये नहीं है चुनाव ना लड़ें, मैं ये कहता हूँ चुनाव लड़ें और अनुपातिक आधार पर चुनाव लड़के दिखाएं और फिर जीतवाओ इसको, कितने जीतते हैं। मैं ये कहता हूँ आपने मेरे खिलाफ़ अगर 10 आपके कैंडिडेट उसी, क्योंकि यहाँ फैक्टर चलता है जात का, धर्म का, गोत का, बिरादरी का, हर जगह यही चलता, सही चलता है ना, आप उसी के खड़ा मेरे को कर दिया, पैसा मेरे पे आपने लगाया है, तो मैं खड़ा होऊंगा या नहीं होऊंगा? ये फितरत है। नहीं, ये जीत के ये नहीं कह सकते कि जनता ने स्वेच्छा से उनको वोट दिया है, बल्कि हम ये कहें जनता, सरकार ने, सत्तारूढ़ पार्टी ने पैसे के आधार पर जो वोटों को खरीदा है। तरीका अलग हो सकता है कि अनुपातक चुनाव प्रणाली अपना के देखिए और फिर बताइए मेरे को। वोट का जब पार्टीशन बंद हो जाएगा, आपने कितने परसेंट वोट लिए, उसके आधार पर आपका जो है नुमाइंदे चुने जाएंगे, बताओ फिर जीतेंगे तो क्या? विधायक भी खरीद लेते हैं, वही आ गया ना, क्योंकि सत्ता का चरित्र कभी नहीं बदलता, सत्ता के केवल मोहरे बदलते हैं और सत्ता हमेशा पूंजी के इर्द गिर्द घूमता है। जीत होनी चाहिए, वो अपना के, मैं वो जो आपके जो वोटों का डिवीजन है ना, वो कैसे रुके?
रुक सकता है। एक एजुकेशन का बीच में मैं थोड़ा एक लेकिन जो एनडीएफ में तो कई सारी पार्टियां एक साथ जुटे हैं। नहीं पार्टियां कहते हैं यहाँ जो पार्टी सिस्टम है ना, पार्टी सिद्धांतिक रूप में कहाँ है, विचार रूप में कहाँ है, सत्ता के लिए हैं सभी पार्टियां। एक ही है, मोटो है और वो है कुर्सी, बाय हुक बाय कुक, जैसे भी हो तैसा हो कुर्सी मिल जाए। पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन क्या वैचारिक गठबंधन था क्या? नहीं। क्या केवल और केवल कुर्सी के लिए नहीं था के? और मुस्लिम लीग और हिंदू परिषद का बंगाल में शुरुआती दौर में गठबंधन था, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो कृषि मंत्री थे और 43,000 लोगों के अकाल के कारण मौत हुई थी।